नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में जानकारी दूंगा तथा इसके प्रमुख कंपोनेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और ये कैसे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की। सेंट्रीफ्यूगल पंप वह पंप होते हैं जहाँ पर हमें पानी उठाने के लिए आवश्यकता होती है। जहाँ पर हमें ज़्यादा वॉल्यूम में पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग अधिकतर जो ड्राइव देते हैं वो आपके स्टेशनरी इंजन के द्वारा देते हैं या इलेक्ट्रिकल मोटर या फिर ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से चलने वाले भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं। हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेटअप है जो हम इंजन से इसको ड्राइव दे रहे हैं। ये हमारा इंजन है, इंजन के द्वारा हम इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को चला रहे हैं। अब इसके बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये पूरा कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप। ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर ये आपका फ्लैंज है। फ्लैंज के बाद ये वाला जो आपको हिस्सा दिख रहा है ये भी फ्लैंज है और ये सक्शन पाइप है। ये पूरा सक्शन पाइप आपको दिख रहा है जो पानी में हमेशा डूबा रहता है। और सबसे नीचे जो हिस्सा दिख रहा है इसको बोलते हैं फुटवॉल। फुटवॉल को नॉन रिटर्न वाल्व भी कहा जाता है। ये सक्शन पाइप हो गया, उसके बाद फ्लैंज, ये इसकी केसिंग है। सारा का सारा केसिंग है, ये जिस पर हाथ रखा हुआ है ये केसिंग है। ऊपर वाला जो ये दिख रहा है ये डिस्चार्ज पाइप है, सारा का सारा डिस्चार्ज पाइप है। अब इस केसिंग के बाद ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये जो हिस्सा देखिए, ये वाला जो स्पटिंग, ये बॉक्स कहलाता है, स्पटिंग बॉक्स कहलाता है। इस बॉक्स के अंदर ही ग्लैंडोरी होती है, कहीं ग्लैंडोरी होती है कहीं पर सील होती है, लेकिन अधिकतर हम लोग ग्लैंडोरी का प्रयोग करते हैं। इसके पीछे वाला यूनिट जो दिख रही है जिस पर हाथ रखा हुआ है मैं, ये रोटर शाफ्ट है, एम्पलर शाफ्ट या रोटर शाफ्ट भी होता है। उसके बाद ये वाला यहाँ पर जो दिख रहा है, यहाँ पर बैरिंग लगा हुआ है, तो ये बैरिंग हाउसिंग होगी। बैरिंग हाउसिंग के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है ये वाला, ये देखिए, ये कपलर फ्लैंज है, ये भी एक कपलिंग है। और इसमें जो कपलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये रबड़ की कपलिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा हिस्सा हम लोग फ्लाई व्हील से रोटेट करके रखे हुए, जैसे फ्लाई व्हील रोटेट होता है तो हमारी कपलिंग रोटेट होती है, कपलिंग से हमारी एम्पलर वाली शाफ्ट, रोटर शाफ्ट रोटेट होती है, जिससे हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप चलता है। अब इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है एम्पलर। तो एम्पलर को हम लोग अभी खोल के देखेंगे और इसको भी यहाँ पर खोल के देखेंगे जो मैं आपको अभी दोनों यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। अब हम लोग खोलते हैं इसको, रोको। ये देखिए, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप है। सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोगों ने अभी अलग निकाल के रखा हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंटर में पानी आता है, ये सेंटर में आता है, इसको फ्लैंज कहा जाता है। ये फ्लैंज है, ये इसकी केसिंग है, केसिंग के बाद ये हमारी फ्लैंज है। यहाँ से पानी अंदर आएगा और यहाँ से पानी डिस्चार्ज होगा, ये डिलीवर्ड होगा या डिलीवरी होगा यहाँ से। और पीछे की तरफ हम लोग देखें तो ये हमारी रोटर शाफ्ट है या एम्पलर शाफ्ट होती है। ये देखिए, ये बैरिंग हाउसिंग है। बैरिंग हाउसिंग के बाद ये जो सबसे महत्वपूर्ण भाग आपको दिख रहा है ये स्टफिंग बॉक्स होता है, इसमें ग्लैंडोरी हम लोग यूज़ करते हैं। अब हम इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को पूरा डिसमेंटल करते हैं और अंदर इसके मुख्य कंपोनेंट जो एम्पलर होता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो ये जो केसिंग है, इस केसिंग को हम लोगों ने नट बोल्ट की सहायता से यहाँ पर खोला तो ये केसिंग हम लोग बाहर निकलती है, ये पूरी केसिंग कहलाती है। देखिए, केसिंग तीन टाइप की केसिंग हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें जो केसिंग है वो वॉल्यूम टाइप की केसिंग है। ये वॉल्यूम टाइप की केसिंग का मतलब ये होता है कि इसका आयतन, यहाँ से एरिया कम से ज़्यादा की तरफ होता है। और सबसे महत्वपूर्ण भाग ये हमारा एम्पलर कहलाता है, ये एम्पलर है। एम्पलर जो होते हैं वो तीन टाइप्स के एम्पलर हम लोग यूज़ करेंगे, उसकी जानकारी मैं आपको आगे की तरफ दूंगा। ये क्लोज टाइप का एम्पलर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये एम्पलर है और इसमें फिंस बनी हुई है, ये हमारी फिंस होती है। और इस एम्पलर को घुमाने के लिए हम लोग रोटर शाफ्ट या एम्पलर शाफ्ट का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, ये हमारा एम्पलर है। एम्पलर के बाद ये हमारी एम्पलर शाफ्ट या रोटर शाफ्ट है, ये रोटर शाफ्ट है। और इस रोटर शाफ्ट को निकालते हैं हम लोग, ये देखिए, ये हमारी रोटर शाफ्ट है। और ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये स्टफिंग बॉक्स का हिस्सा कहलाता है। स्टफिंग बॉक्स ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर ग्लैंड डोरी हम लोग यूज़ करते हैं ताकि पानी यहाँ से निकले ना। अगर ग्लैंड डोरी ख़राब हो जाएगी तो हमें बार बार प्राइमिंग करना पड़ेगा। ये देखिए, इसके बेसिक कंपोनेंट्स इतने। सबसे महत्वपूर्ण भाग, जब ये रोटेट होगा तो यहाँ से एम्पलर से पानी ऐसे रोटेट होगा तो ये फिंस में भर आएगा, और फिंस में इस वाले हिस्से पर ऐसे दबा होता है। ये देखिए, सेंटर में पानी आता है
और सेंटर से होता हुआ, साइड से होता हुआ बाहर की तरफ निकलता है। तो ये कहलाते हैं आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप। मैं इसे एक बार असेंबल करके और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये बैरिंग है और बैरिंग के अगले वाले हिस्से में यहाँ पर देखें तो कपलिंग लगी होती है, जिससे हम लोग इसको ड्राइव करते हैं। ये देखिए इस तरह, ये देखिए, आपको ध्यान रखना है इसे लगाना कैसे। ये खुला वाला हिस्सा जो एम्पलर का होगा ये बाहर की तरफ होगा, क्योंकि पानी सेंटर में आता है, आपको ऐसे नहीं लगाना। और यहाँ की लगी होती है, ये इस तरह रोटेट होता है। और ये इसकी बंद केसिंग, वॉल्यूम टाइप की केसिंग हम लोग यूज करते हैं। ये आपका हो गया सेंट्रीफ्यूगल टाइप का पंप, ठीक है दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।